तो कोई कैप दे देते कैप नहीं पहनी हुई थी उस वक्त कैप वो ना, ना जैसे हम कोई पहन भी नहीं था उनके पास मैम मेरी बात सुने जैसे हम फिर रहे ना कपड़े पहन के वैसे उन्होंने पहने हुए थे कपड़े उनके हाथ में ट्रोजर था तो उन्होंने वो ही उसे गिफ्ट कर दिया तो इसमें कोई कोई ऐसी बात बात है है नहीं नहीं वो लोग ही वखरे शाही हो जा रहे हैं कोई बात है इसमें करने वाली बिला वजह इशू बना बिला रहे हैं आपको क्या लगता है ऐसे अगर गोरिया और दूसरे एक्ट्रेसेस मुल्कों की आगे प्रपोज करेंगी तो फोकस डी फोकस होगा उनका क्रिकेट क्या पूछ लिया आपने जब कोई बाहर की लड़की पाकिस्तान को प्रपोज करती है ना तो हमें भी पता नहीं क्यों थोड़ा थोड़ा फक्र महसूस होता है <laughs> कि हम भी किसी मुकाम तक पहुंच सकते हैं अब नहीं किसी को भी प्रपोज कर दे तो आपको फक्र में हाँ बस क्योंकि कि, कि, देखो किसी ने आपको ही कर दिया फिर वो अल्लाह के नसीब है कोई करके तो दिखाए <laughs> अच्छा, अगर दो मिनट के लिए सोचे आप शादाब खान साहब है एक गोरी आई है वो कह रही मैं तो आपकी फैन हूँ आई लव यू और मुझसे शादी कर लें और मुझे गिफ्ट दे दें तो आप क्या फील करेंगे और ट्राउजर दे देंगे शादी तो बहरहाल नहीं शादी एक बहुत बड़ा लफ्ज है ऐसे थोड़ी हो जाती है शादी क्योंकि उसने बोला कि भाई मैंने आपसे तो शादी करनी है मैं शादी कर लूँ जाके नहीं नहीं घर वालों को मना के कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे पहले उसका बैकग्राउंड देखेंगे ना कि उसका बैकग्राउंड क्या है वो कैसी है उसका रहन सहन का तरीका क्या फिर जाके शादी होती है तो कैसा होना चाहिए रहन सहन का तरीका और बैकग्राउंड यार अगर वो अंग्रेज है उसके देखिए आप देखेंगे, वो देखे मुस्लिम तो नहीं है ना इस्लाम में तो नहीं है इस्लाम लेकिन अगर वो आपके लिए राजी हो जाए कि मैं इस्लाम आ, भी कबूल कर लूंगी फिर फिर उसके बाद फिर मैं कर सकता हूँ आप उसे कहेंगे इस्लाम कबूल मैं कह दूंगा घर वालों को कैसे मनाएंगे घर वालों को मनाना हमारा काम है लेकिन बड़ा औखा होता है घर वालों मान जाएंगे माँ जी के घर वालों घर वालों ने जाहिर बात है कि हमने जिंदगी गोरी बहू भाई कितने शशके होंगे खाना हाँ जब वो ऐसे ऐसे करके रोटिया बना रही होगी हो, 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 तो रोटिया भी बनवानी आपने से? नहीं तो हर बात है सब बीवी है तो सब काम करेगी वो उसको क्या मैंने इधर उसको मास्टर पीस थोड़ी बनाना है काम करवाऊंगा सारे उससे मैं आप अभी मैं बात कर रहा था की अगर शिदा ने कह दिया अगर एक फैन है ना जैसे मैं आपका फैन हूँ

बाबर आजम साहब को यही मैसेज है कि यार अपनी फॉर्म कंटिन्यू रखो थोड़े क्लैस आ रहे हैं उनकी फॉर्म में लेकिन कोई बात नहीं यार स्टेडी के पीछे खेल रहे हो तुम्हारा बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है इन तुम लोग तुमने वर्ल्ड कप जिता के लाना है इस बारी